दोस्तों, कौशल मिश्रा ब्लॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आशुतोष मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम आपको बता दें, अभी जो पिछले वीडियो में हमने आपको भाई साहब से मिलाया था, श्री रमेश मिश्रा जी से, मैंने आपको बताया था ये काफ़ी बहुत अच्छे किसान हैं और ये काफ़ी पैदावार हर फसलों की करते हैं। देखिए, इनके जस्ट मकान के पीछे ये लहसुन की खेती किए हुए हैं, जो काफ़ी बहुत अच्छी खेती हुई है। और चलिए हम आप इनसे मिलाते हैं इनको, और ये देखेंगे, आपको बताएंगे कि अगर किसी को लहसुन की खेती करना हो तो कैसे करेंगे, क्या प्रजाति होती है, कब इनकी निराई गुड़ाई होती है और कैसे अपने मेहनत से पैदावार अच्छी की जाती है। बताइए, ये जो लहसुन की खेती आप किए हैं, इसकी बुआई कब हो जाती है अगर किसान भाई बोना चाहें? इसकी बुआई अक्टूबर लास्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में बुआई अच्छी मानी जाती है। अच्छा, तो इसकी बुआई के लिए मतलब खेत को कैसे तैयार किया जाता है? खेत की अच्छी ढंग से जुताई करने के बाद कुदार से आप जुताई करके ही खूब बढ़िया समतलीकरण करके इसके बाद नारी द्वारा खींच कर बोया जाता है। तो इसकी जो अंकुरण होती है, अंकुरण कितने दिन बाद लगभग हो जाती है? अंकुरण इसका एक हफ्ते जाता है कम से कम, एक हफ्ते के बाद। तो उसके बाद फिर सिंचाई भी करनी पड़ती है? हाँ, सिंचाई करनी पड़ती है, इसमें खाद भी डालना पड़ता है, देसी खाद, पोटाश। वैसे तो कहा जाता है कि देसी खाद लहसुन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन आजकल खाद ही ज़्यादा डालते हैं। लेकिन आजकल के युवा चाहे और भी किसान हो, वो जैविक एवं रासायनिक खाद हम खाने वाली चीज़ में किसी में भी नहीं डालते। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप देसी खाद का प्रयोग करते हैं, जैविक या देसी। हाँ, तो इसके बाद गोबर की निराई गुड़ाई कैसे की जाती है? निराई गुड़ाई अच्छे ढंग से हुई है, अभी देखिए एक एक खास आ गई है, इसको फिर निकालेंगे और इसको गुड़ाई होगी। अच्छा, तो इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है इसकी? अभी पानी देना पड़ता है, पानी दीजिए घास न आने पाए। अच्छा, हाँ, लेकिन मार्च के लास्ट में तैयार हो जाएगा अप्रैल में। तो देखा अभी आप दोस्तों ने, भाई साहब ने बताया कि लहसुन की खेती कैसे की जाती है, और जिस तरह से ये बताए हैं, अगर ऐसी खेती आप लोग करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर पैदावार करेंगे। तो ऐसी ही सूचनाओं के लिए हमारा ब्लॉग कौशल मिश्रा को ब्लॉग को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। के बारे में बताते हैं, जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया है उसकी एक एक बारीकी हम आपको बताएंगे। देखिए, ये पौधा कितना दमदार है, और इसके नीचे की पत्तियों में जो पीलापन है उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर की जो शाखाएं, ऊपर की जो पत्तियां हैं वही माने रखती हैं। जो पत्तियां जो पीली पड़ गई हैं, जो ऊपर वाली पत्तियां जब विकसित होती हैं तो नीचे वाली पत्तियों का सारा प्रोटीन और खनिज मिनरल्स ऊपर लेके जाती हैं और नीचे की पत्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जिससे अगर नीचे वाली पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, इससे किसान भाइयों को घबराना नहीं चाहिए, वो निरंतर अपने खेतों की देखभाल करना चाहिए। देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से लहसुन की खेती किए हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा पैदावार देगी, जैसे कि अभी आपको बताया गया है। देखिए, ये राख को अगर आप इन पौधों के बीच में इन पत्तियों पर डालेंगे तो कीड़े मकोड़े से बचा जा सकता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी। ऐसी ताज़ा जानकारियाँ कृषि संबंधित एवं शिक्षा संबंधित कोई भी जानकारियाँ हों तो आप कौशल मिश्रा के ब्लॉग पर आइए, सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। कौशल मिश्रा के ब्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।